तो रूस के कजान शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब पर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि पूरी दुनिया यह देखना चाहती है कि जिस सऊदी को ब्रिक्स के पांचों देशों ने सदस्यता दी है वह इसे ऑफिशियल करेगा या नहीं। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी बात होगी। बता दें, इस बार शिखर सम्मेलन में तकरीबन 33 देश पहुंच रहे हैं। 33 देश ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस बार यह तय होगा कि क्या ब्रिक्स का विस्तार होगा या नहीं। रूस इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के आयोजन से पहले मीडिया से बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए और इन सब के बीच में अब जब ब्रिक्स का आयोजन होने वाला है तो पूरी दुनिया की निगाहें सऊदी अरब पर टिकी होंगी। इस साल की शुरुआत में ब्रिक्स के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 5 और देशों को सदस्यता दी गई है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान भी शामिल थे। सभी देशों ने सदस्यता को स्वीकार किया, लेकिन अब तक सऊदी अरब ने इसे ऑफिशियल एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी सऊदी अरब इस बार की बैठक में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक होगा। जनवरी 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। रियाद ने भी अभी तक अपनी सदस्यता को लेकर औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि रूस को फिर भी इस बात की उम्मीद है कि सऊदी से लेकर जल्द से जल्द कोई बड़ा ऐलान कर दें। इतनी जानकारी जरूर रूस से निकलकर सामने आई है कि इस बार के शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय सऊदी प्रतिनिधि भाग लेने पहुंच रहा है, जो रूस के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय। सऊदी अरब मॉस्को के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ रूस की बंधी उम्मीद अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। खासकर तेल उत्पादक देशों के ओपेक प्लस समूह के भीतर रूस और सऊदी अरब दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच व्यक्तिगत संबंधों ने उनके सहयोग को मजबूत किया है। दरअसल पिछले दिसंबर में पुतिन की रियाद यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों के अनप्रेसिडेंटेड लेवल को अंडरलाइंड किया था। बड़े स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। व्यापारिक तौर पर भी सऊदी ने रूस के आगे हाथ बढ़ाया और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां पश्चिमी देशों ने रूस को बिल्कुल अकेला कर दिया, वहीं कई ऐसे साझेदार देश जो अब तक रूस को अपना सहयोगी बताते आए हैं, उन्होंने खुले तौर पर और मजबूती के साथ रूस का समर्थन किया। यही कारण है कि इतने लंबे युद्ध के चलने के बावजूद पुतिन का रूस मार्केट में स्टैंड आउट कर रहा है। ब्रिक्स में सऊदी की भागीदारी को रूस के लिए एक रणनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यह समूह ऑप्शनल ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थाओं को विकसित करना चाहता है और इसका बढ़ना पश्चिमी देशों के लिए, खास तौर पर G7 देशों के लिए मुसीबत भरा है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर कई बार ब्रिक्स के प्रेजेंस को लेकर सवाल उठते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स की अहमियत के बारे में जोर देकर पश्चिमी देशों को जवाब दिया था, जिसका हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी समर्थन किया। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।